at optimum cost with the continuous improvement in the quality management. शिमला में आईजीएमसी की न्यू ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन, सीएम ने किया ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन, स्वास्थ्य क्षेत्र में रिफॉर्म्स लेकर आएगी सरकार। दस मार्च से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का होगा पहला पेपर, नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते तैनात। पशुओं के नस्ल में त्वरित सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ, नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने किया शुभारंभ, कहा किसानों की आय में बढ़ोतरी सरकार की प्राथमिकता। सिरमौर स्थित वाइल्ड लाइफ चिड़ियाघर का निरीक्षण, रेणुकाजी विधायक विनय कुमार ने किया निरीक्षण, चिड़ियाघर में जल्द टाइगर लाने की कही बात। बिलासपुर के नवनियुक्त उपायुक्त से मुलाकात, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा ने किया मुलाकात, जाति भेदभाव को लेकर की चर्चा। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त तो चला बुलेटिन का, शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी की ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर 13 मंजिला नए भवन में शिफ्ट हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नए ओपीडी भवन का उद्घाटन किया, साथ ही ट्रॉमा सेंटर को भी जनता को समर्पित किया। नए भवन में ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर आने के बाद प्रदेश की जनता को भीड़भाड़ से निजात मिलेगी। इसी के साथ ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर लगभग 136 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें 104 करोड़ ओपीडी तो 32 करोड़ ट्रॉमा सेंटर पर खर्च हुआ है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के प्रति कृतविकल्प संकल्प है। जल्दी आईएमसी में रोबोटिक सर्जरी भी शुरू की जाएगी, साथ ही आधुनिक उपकरण भी लगाए जाएंगे ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी इलाज जल्द से जल्द मिल सके। वहीं सत्ता परिवर्तन के साथ ही मेडिकल रिफॉर्म्स में भी सरकार बदलाव ला रही है। आने वाले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में नए बदलाव किए जाएंगे ताकि जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। में जो सुविधा होनी चाहिए वो सब प्रकार से जनता को मिलेगी। नई सुविधा है, लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलेगी। इस दृष्टिकोण से हमने इसका आज उद्घाटन किया, वो हमारा जब बजट आएगा उसमें आएगी। लेकिन मेडिकल रिफॉर्म्स की बहुत अधिक जरूरत है, हम उस व्यवस्था में नहीं चल सकते जो 40 साल से व्यवस्था चलती आ रही है। इस व्यवस्था में हमने परिवर्तन के लिए जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का आपको बताया है, इसी प्रकार और विभागों में भी हम परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट कहां से लाना उस दृष्टिकोण से भी कर रहे हैं, पहले हम बजट का प्रावधान करेंगे उसके बाद लगाएंगे। पर कैजुअल्टी में तो हमने ये मन बनाया है कि अब पूरी तरह से इसमें जितना ज्यादा स्टाफ हम देंगे उसको रखने के लिए, अभी हमने स्टाफ स्ट्रेंथ आपको बता दिया, उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया और कैसे डिपार्टमेंट मजबूत हो उस दृष्टिकोण से। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के गुजरहेड़ा में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से भेंट की और उन्हें हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए उनसे प्रदेश के विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में परामर्श सुविधा आरंभ करने का आग्रह किया ताकि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मकता दिशा में प्रदान किया जा सके। वहीं इस अवसर पर उन्होंने राज्य में धार्मिक पर्यटन, हरित ऊर्जा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के विषय में भी विचार विमर्श किया। वहीं हिमाचल प्रदेश में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए एक विशेष कार्यक्रम त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें इससे पशुओं के नस्ल में जहां सुधार होगा तो वहीं दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। इस कार्यक्रम को आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन के माता बाला सुंदरी गोसदन से आरंभ किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन आज सिरमौर प्रवास के दौरान नाहन पहुंचे और उन्होंने नाहन के माता बाला सुंदरी सदन का भी दौरा किया और एक दिवसीय किसान जागरूकता सम्मेलन की भी अध्यक्षता की। वहीं मंत्री ने यह कहा कि सरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी को लेकर विशेष ध्यान दे रही है और इस ओर बजट में भी खास प्रावधान किए जाएंगे। मेरे हस्बैंड जी, पशुपालन विभाग द्वारा जो है सेमिनार रखा गया है जिसमें
कि सेक्स सीमन जो है सॉर्टिंग वाला जो है प्रोग्राम है आरंभ किया गया है, इसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि इसमें जो है फीमेल जो है वो 80% चांसेस फीमेल होने के होंगे। इससे ये फायदा होगा कि जो स्ट्रे एनिमल्स है जैसे बैलों को जो है वो छोड़ा जाता है उसमें भी कमी आएगी और नस्ल की सुधार में भी जो है वो होगा। बहुत सारे जो है पशुपालक जो है यहाँ आए हुए हैं उन्होंने अपने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की कल से बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी प्रबंध पूर्ण कर लिए हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिला सोलन में 151 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 10 निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक जगदीश चंद नेगी ने बताया, जिला सोलन में 151 परीक्षा केंद्रों में बोर्ड की 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। कल सुबह 9:45 बजे 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा होगी, साथ ही उन 3 स्तरीय उड़न दस्ती भी नकल रखने वालों पर नजर रखेंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों से सीसीटीवी कैमरे की भी नजर रखी जाएगी। परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की कल से शुरू हो रही हैं और कल से 12वीं की शुरुआत है। अंग्रेजी का पेपर है पहला कल, इंग्लिश का। तो इसमें हमारे जिला में कुल 151 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसमें से कुछ 10 परीक्षा केंद्र हमारे जो प्राइवेट स्कूलों के हैं, बाकी हमारे अपने सरकारी स्कूलों के हैं। और हमने यहाँ अपने जिला स्तर में जो हमारी 3 टीमें हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स बनी हैं, एक तो हमारी जो डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के उसमें होगी और दूसरी जो है इंस्पेक्शन कैडर का जो सेल है उनकी अगुवाई में एक दूसरी टीम है और तीसरी जो टीम है वो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की अगुवाई में। वहीं श्री रेणुका जी के विधायक विनय कुमार ने वाइल्ड लाइफ चिड़ियाघर का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, विधायक ने चिड़ियाघर में लाए गए नए जानवरों के बारे में विस्तृत जानकारी ली और उन्होंने बताया कि जल्दी यहां पर टाइगर के जोड़े को भी लाया जाएगा ताकि पर्यटक की दृष्टि से रेणुका जी के चिड़ियाघर को मजबूत और आकर्षक का केंद्र बनाया जा सके। वहीं धार्मिक स्थल होने के साथ साथ यहां पर लोग जू भी देखने आते हैं, लेकिन शेर खत्म होने के बाद लोगों में यहां आकर हताशा ही हाथ लगती है। लेकिन अब टाइगर आने से यहां पर फिर से पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। यहां विधायक इस दौरे से यहां पर आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। वहीं जल्द ही चिड़ियाघरों में नए मेहमानों को लेकर फिर से पर्यटकों के लिए आकर्षण का माहौल बनाया जाएगा। इस अवसर पर वाइल्ड लाइफ के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। रेणुका जी जू का एक निरीक्षण कर रहे थे। यहाँ कुछ जो जानवर हैं वो एक्सचेंज में आए हैं। हमने यहाँ से छतबीर जू के साथ कुछ एक्सचेंज किए थे। हमने भालू जो है वो एक्सचेंज किए थे और उसके एवज में हमने 8-12 जो डियर है वो लाए हैं, 6 पेयर। वही बिलासपुर में वीरवार को अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष और सेवानिवृत्त डीएसपी सीताराम कौंडल की अध्यक्षता में उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक से उनके कार्यालय में मिला। सर्वप्रथम प्रतिनिधिमंडल द्वारा उपायुक्त को बिलासपुर जिला का पदाभार ग्रहण करने पर बधाई दी, इसके बाद उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान हुई वार्ता का विवरण देते हुए संयुक्त संघर्ष मोर्चा के महामंत्री आचार्य नंद लाल ने बताया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इस मुलाकात में उपायुक्त बिलासपुर से आग्रह किया गया कि जिला के हर कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का चित्र और संविधान की निर्देशिका लगाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि दलित समुदाय के विभिन्न वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए उपायुक्त से गुहार लगाई ताकि समाज का ये वर्ग अपने मौलिक अधिकारों से वंचित ना रहे। आज हमने माननीय जिलाधीश महोदय को संयुक्त संघर्ष मोर्चा के माध्यम से सभी वर्गों के वंचित वर्गों के प्रति न्याय प्रदान करने के लिए व उन्हें सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के निमित्त माननीय उपायुक्त महोदय को यहाँ पर ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे दलित संगठनों के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। हमें माननीय जिलाधीश महोदय से यही उम्मीद है कि वंचित वर्ग के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको बहाल करवाने में और हमारे मानवीय अधिकारों को हमें दिलाने के लिए।
वहीं सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें एसडीएम बल समृता नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समृता नेगी ने कहा कि महिलाओं को अपने हकों की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम के इस आयोजन में उन्होंने ये बड़ी बात कही जिसमें एसडीएम समृता नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि तो वहां पर शिरकत की ही, साथ ही उन्होंने कई बड़ी बात भी कही। इसी के साथ उन्होंने कहा कल छुट्टी थी इसलिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रही महिलाओं को बुलाया गया और सम्मानित भी किया गया। आज मुझे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर सर हैं प्रोफेसर डीडी शर्मा जी उनकी तरफ से यहाँ आमंत्रित किया गया। आज यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने ये सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो वैसे कल था बट कल छुट्टी करके आज इन्होंने सेलिब्रेट किया है। और आज इनके द्वारा जो डिफरेंट फील्ड की महिलाओं को यहाँ बुलाया गया और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट कर सके, और मैं चाहती हूँ कि इस शुभ अवसर पर मैं सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अपने हक को जानना है और उसके लिए लड़ना है। आप ही को जो फीमेल फेटिसाइड्स होती है, भ्रूण हत्या होती है, उसको रोकना है। वही तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि चीन में अब कुछ बदलाव देखा जा रहा है, चीन की राजनीति और व्यवस्था में भी बदलाव हो रहा है और ये सभी के लिए शुभ संकेत है। चीन में आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले काफी लोग हैं, ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। ये बात धर्मगुरु दलाई लामा ने मुख्य बौद्ध मंदिर मैक्लॉडगंज में टीचिंग के दूसरे दिन अनुयायियों से कही। दलाई लामा ने यह भी कहा कि बकौल दलाई लामा चीन भी पहले बौद्ध राष्ट्र था और वहां भगवान बुद्ध का काफी प्रभाव है। बौद्ध धर्म का प्रसार लगातार हो रहा है। भारत, तिब्बत, चीन और मंगोलिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी बड़ी है। Anna, where are you come from? I come from Hungary. Why are you here today? I'm here to follow the teachings of His Holiness. It's the first day of teaching of the Dalai Lama. So what is your feeling today? I was very touched because even though you can follow the teachings online, it's very different when you can be here in person. It's hard to find words, but I think if you're a Buddhist and if you accept His Holiness as your guru, then it's a very, very special and. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।